कितना भी समेट लो, हाथों से फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारे अंदर की तीन बातें समझ सके, मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने के पीछे की वजह। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्तों को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न तो शर्म होती है ना ही पानी। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए, अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। नादान है वो इंसान जो माँ बाप का अपमान करते हैं। माँ बाप तो वो रत्न है जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। अहंकार और संस्कार में यही फर्क होता है कि अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। नमक के जैसा बनाइए अपना व्यक्तित्व। आपकी उपस्थिति भले ही पता न चले, पर आपकी अनुपस्थिति का एहसास अवश्य हो। उतार चढ़ाव के बाद भी यदि कोई व्यक्ति आपका साथ न छोड़े तो उसकी कद्र हमेशा करना। मुस्कुराना एक उपहार है जो बिना मोल के भी अनमोल है। इसमें देने वाले का कुछ नहीं जाता, पर पाने वाला निहाल हो जाता है। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वो कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानता है। मंजिल तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े कदमों की उतनी जरूरत नहीं होती जितनी सधे कदमों की जरूरत होती है। इस दुनिया में वो इंसान सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटा और अपने भी रूठे, फिर भी वो कहे कि मैं ठीक हूं। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और न ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति कभी नहीं मिलती। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। हाथ उसका पकड़ो जिसे सुख में आप न छोड़े और दुख में वो आपको न छोड़े। समझदार व्यक्ति जानता है कि अपने शब्दों का प्रयोग कैसे और कहां करना है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो मौन है वो गूंगा हो। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं किया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का हक कैसा। शांति की इच्छा हो तो पहले इच्छाओं को शांत करो, क्योंकि इच्छा वो बला है जो पूरी न हो तो क्रोध बढ़ता है और अगर पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है। जब कोई गुस्से में कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तो समझ जाना कि उस वक्त उसे आपके साथ की सख्त जरूरत है। चाहिए दूसरों की खुशियों का कारण बनो, अपनी खुशियां दूसरों में मत ढूंढो, ये तुम्हें अकेलेपन का अनुभव करा सकती है। इसे स्वयं में खोजने का प्रयास करो, फिर आप अकेले में भी खुश रहना सीख जाओगे। जिसके साथ बात करके खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए वही तो अपना है, बाकी तो सब दुनिया ही है। माँ बाप उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े होते हैं। कड़वा है मगर सच है, जब बच्चा रोता है तो पूरे मोहल्ले को पता चलता है, पर जब माँ बाप रोते हैं तो किसी को पता नहीं चलता। ख्याल रखना,
पर अपना भी ख्याल रखना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।